स्टैचू ऑफ यूनिटी यह भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित साधु बेट नामक एक टापू पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशाल काय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। इसकी लंबाई 182 मीटर है। महान कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की मूर्ति इसे रामवीर सुतार ने बनाया है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिसमें लगभग 5,00,000 किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6,00,000 ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5,000 मैट्रिक टन लोहा संग्रह किया गया। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि संग्रहित किया गया लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाएगा, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा में प्रयोग नहीं हो सका और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। मूर्ति निर्माण के अभियान से सुराज प्रार्थना पत्र बना, जिसमें जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। सुराज प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया जिस पर हस्ताक्षर हुए हो। इसके अतिरिक्त 15 दिसंबर 2013 को एक रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन हुआ। इस मैराथन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है। इसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। मूर्ति पर कांस्य लेपन, स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट, मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है, छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव से 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है, जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है। इस मूर्ति के निर्माण हेतु टर्नर कंस्ट्रक्शन, जिसने बुर्ज खलीफा का परियोजना प्रबंधक रहा, की सहायता ली गई है। इसे पूर्ण होने में 5 वर्ष का समय लगा है। धन्यवाद।